राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। हमारा संकल्प। आम, पीपल और नारियल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश। प्रणाम भगत बाबा, प्रणाम। खुश रहो बेटा, हो फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं? आज तो हम सबका जीवन ही संकट में है। आप जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में ये भी भूल गया कि हमें काटकर वो अपना ही आहित कर रहा है। बाबा, मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। बेटा, मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। देखते ही देखते ये मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार। लेकिन बाबा, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी नहीं झिझकते, जरा भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इनके आश्रयदाता हैं। हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजना चाहिए। बरगद बाबा, हमें रहने का स्थान दो। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंतित हैं कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। हाँ बाबा, हम भी बहुत दुखी हैं। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, अब मैं कैसे गा पाऊंगी। बाबा, देखा आपने, मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। हाँ हाँ, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो, यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तब वो स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। हाँ, बात तो ठीक है। बात तो ठीक है। हाँ।
आपस में बातें करते हुए तीन बच्चों का प्रवेश। उन्हें आते देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। बात तो ठीक है, सोचने वाली बात है, उफ कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर स्कूटर गाड़ियों का धुआं और शोर। आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठें। कितनी ठंडक है इसकी छांव में। सचमुच अब जाकर शांति मिली। इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद नींबू गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम नीम पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी है। हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वह कटा पड़ा है। मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए, कटने से उन्हें भी कष्ट होता है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं। जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या गुजरती होगी। आप चिंता न करें, हम सब बच्चे मिलकर ये संकल्प करते हैं कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो ये कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। हम ये भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। हमारा संकल्प। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सतीश कक्कड़, सतीश महाजन, एसपी इलावादी, दलजीत सचदेव, दीपांश, श्रेया, मान्या और आशीष, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।